क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन पहला व्यक्ति था जो सबसे पहले कावर उठाया था, जिसने सबसे पहले भगवान शिव को जलाभिषेक किया था और उनकी कृपा प्राप्त की थी? इस परंपरा का आरंभ कब हुआ था, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए उसे विस्तार से समझते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी ने शीतल चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर लिया था। इसके बाद सभी देवता शिव जी पर गंगा जी के जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवर यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हुआ, ऐसा भी माना जाता है। कांवर यात्रा को लेकर एक अन्य मान्यता प्रचलित है, जिसके अनुसार रावण को पहला कांवरिया माना जाता है, और उसकी मान्यता यह है कि कांवर की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई थी। जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा, तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में धारण कर लिया और इसे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। एक अन्य कथा ये मानी जाती है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवर यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहाँ उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की, और माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लेके गए और इसे ही कांवर यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवरिया थे। उन्होंने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवर में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तो एक अन्य पौराणिक कथा है कि एक बार ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु की सेना का बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। उनकी सेना में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुए, और परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसके सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। सहस्त्रबाहु को जब अपने सैनिकों के माध्यम से यह पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो तो वह जो है वो सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाए हैं, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को पता लगी तो उसने उनके पिता की हत्या सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है, तो वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया और वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवित कर दिया, और जब ऋषि को यह पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर जाकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना की और महाभिषेक किया, और उनके क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है, और वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।